हाय एवरीवन, मैं हूं नितिन और आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट ग्रिड के बारे में। तो चलते हैं स्लाइड पर। स्मार्ट ग्रिड की स्लाइड को एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। टेबल ऑफ कंटेंट पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, देन फिर इंडस्ट्री प्लेयर इसके कौन कौन से हैं, स्मार्ट ग्रिड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो चल रहे हैं स्मार्ट ग्रिड से रिलेटेड, और उसके बाद में स्मार्ट ग्रिड के फीचर्स एंड इसके मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, देन फिर इसमें एडवांसमेंट क्या हो सकता है, और उसके बाद में रेफरेंसेस। ओके, तो फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करने से पहले हम देखेंगे कि बेसिकली एक ग्रिड होता क्या है। यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं, ये इमेज में जो पॉइंट ए है ये जनरेशन पॉइंट है, उसके बाद में पॉइंट डी जो है दैट इज ए कमर्शियल बिल्डिंग और या फिर एक ये घर है, तो ये दोनों हमारे कंजप्शन पॉइंट है, और ए से बी, बी से सी एंड डी, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइंस, उसके बाद में सब स्टेशन, देन फिर सब स्टेशन के दूसरे कंपोनेंट जो हमारे फील्ड में ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उन सबको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनता है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये स्मार्ट ग्रिड तो नहीं, ये दिस इज कॉल्ड ग्रिड। अब अगर इसका हम देखें जो डेफिनेशन है या फिर जो इसके पॉइंट हैं, एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, ये जनरेशन पॉइंट, ये पावर प्लांट हो गए, एंड कंज्यूमर कौन सा है, ये फैसिलिटी, कमर्शियल फैसिलिटी या फिर ये होम वगैरह। ओके, नाउ अब स्मार्ट ग्रिड क्या है, ये तो हो गया, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो ग्रिड हो गया, अब स्मार्ट ग्रिड क्या है। स्मार्ट ग्रिड इज एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड विथ ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन एंड आईटी सिस्टम दैट कैन मॉनिटर पावर फ्लो फ्रॉम पॉइंट जनरेशन टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन एंड कंट्रोल द पावर ऑफ फ्लो मैच जनरेशन इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। कहने का मतलब ये है, अभी तक ग्रिड में जो इश्यूज थे स्मार्ट ग्रिड की, अगर हम बात करें जरूरत क्यों पड़ी स्मार्ट ग्रिड की, देखिए पावर में जो मेन फंक्शन होता है, पावर का फंक्शन नहीं, पावर की जो एक स्पेशलिटी है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, बैटरी में स्टोर कर सकते हैं बट वो बहुत ही लो अमाउंट की है। अगर हम गीगा वॉट्स की बात करें तो ये मेगावाट गीगावाट की अगर हम पावर की बात करें तो उतनी बड़ी बैटरीज नहीं है और उनका कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है, तो जो भी हमारी पावर जनरेट होती है वो पावर हमारी कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए एट द रियल टाइम। ओके, इमीडिएट वो वहां पे इधर जनरेशन हुआ, दूसरे एंड पे उसका कंजप्शन होना है, अदरवाइज इसका जो पूल है, जो जो टोटल ग्रिड है, जो पावर का पूल है, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो नेटवर्क है हमारा पावर फ्लो का फ्रॉम जनरेशन टू कंज्यूमर, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है यही ग्रिड कहलाता है। अब स्मार्ट अभी इशू क्या आता था कि जो हमारा कंजप्शन है अगर वो बढ़ गया तो भी हमारी ग्रिड सस्टेन नहीं करेगी, अगर हमारा कंजप्शन कम हो गया तो हमें इमीडिएटली उन चीज़ों को हमें अपने पावर हाउसेस में इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप भी ये जनरेशन कम करो। अगर हमारा जनरेशन भी कम नहीं हो पाया एट दैट टाइम तो हमारी ग्रिड सस्टेन नहीं कर पाएगी, यही इशू है। इस इशू को कंपनसेट कैसे करेंगे, ऑटोमेशन करके। हमने इस ग्रिड में सेंसर्स माउंट कर दिए, इस ग्रिड का पूरा हमारा कंजप्शन पैटर्न हमने उसका फेच कर लिया कि कहाँ पे कौन सी यूनिट एक्सपेंस हो रही है, कौन सी कंज्यूम हो रही है, कैसे जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर क्या है, हमने उसमें फिर एनालिटिक्स लगा कर ये प्रेडिक्शन करना चालू कर दिया कि किस समय लोड हमारा कितना रहेगा। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनको अगर हम इंटीग्रेट करते जाएँ अपने ग्रिड में तो जो ग्रिड बनेगी दैट विल बी ए स्मार्ट ग्रिड। आप समझ पा रहे हैं, हमारी सिंपल ग्रिड है, इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है, हमने केवल इधर से पावर दी, पावर हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा, बीच में सब स्टेशन हैं, सब स्टेशन के पास में कुछ चेक पॉइंट्स हैं या फिर कुछ कंट्रोल हैं कि कहीं का लोड वो कट कर सकता है या कहीं पर वो लोड दे सकता है, इसके अलावा और कोई सेट पॉइंट नहीं है। अगर ये कंज्यूमर से जो भी उसका पैटर्न है वो पैटर्न हम ट्रांसमिट कर पाए कहाँ पर, जनरेशन पॉइंट तक, पावर पॉइंट तक, ठीक है, इट्स जो पावर जनरेशन पॉइंट है वहां तक, तो उस कंडीशन पे हम ग्रिड को सस्टेन करा सकते हैं, ग्रिड की फंक्शनैलिटी, ग्रिड की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्मार्ट। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक
अब हम बात करते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की। जो ये डेटा है, ये डेटा पावर मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फॉसिल फ्यूल का जो जनरेशन है टोटल वो 57.7% आता है, नॉन फॉसिल फ्यूल का जनरेशन 43% आता है। इस नॉन फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हाइड्रो, विंड, सोलर, बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो और न्यूक्लियर। तो ये 43% आता है। फॉसिल फ्यूल में कोल, लिग्नाइट, गैस, डीजल, ये टोटल 57% आता है। इज ए ह्यूज कैपेसिटी। टोटल हमारा इंस्टॉलेशन जो है दैट इज अराउंड 416,000 मेगावाट। तो इतनी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, यू कैन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इंडस्ट्री प्लेयर कौन कौन से हैं जो ये स्मार्ट ग्रिड की जो योजनाएं चल रही हैं इंडिया में, उसमें इंडस्ट्री प्लेयर कौन कौन से हैं। देखिए, ऑटोमेशन की अगर बात करेंगे तो सीमेंस, हनीवेल, जी, स्नाइडर, ये सारे जो मेजर कंपनीज हैं, इटॉन हो गई, हनीवेल, देन तोशीबा, सिल्वर स्प्रिंग नेटवर्क्स, एबीबी, देन सिस्को, तो ये जितनी भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे स्मार्ट ग्रिड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, और इनका जो इंटीग्रेटेड एफर्ट है वो स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अभी हम बात करते हैं बेनिफिट क्या होगा इससे, जो स्मार्ट ग्रिड बनेगा या जो स्मार्ट ग्रिड के प्रोजेक्ट्स हैं उससे बेनिफिट क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, स्मार्ट ग्रिड का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है TOU, टाइम ऑफ यूज टैरिफ। टाइम ऑफ यूज टैरिफ क्या है, इसको हम फर्दर जो आगे की स्लाइड्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड वन इज द DR, डिमांड रिस्पॉन्स एंड नेट मीटरिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा पीक लोड मैनेजमेंट, देन इंक्रीज ग्रिड विजिबिलिटी एंड रिडक्शन इन TND लॉसेस, उसके बाद में एसेट मैनेजमेंट। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, एक बार टाइम ऑफ यूज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा आपको क्लियरिटी बढ़ जाएगी। टाइम ऑफ यूज़ क्या है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो हमारे फिक्स चार्जेस होते हैं, कहीं किसी स्टेट में 9 रुपीज़, कहीं पर 10 रुपीज़ इन इंडिया, कहीं पर पोस्टपेड मीटर्स लगे हुए हैं, तो इस तरीके से हमारे फिक्स चार्ज होते हैं। आप जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप मॉर्निंग आवर्स में कंज्यूम करोगे तो भी आपको इतने ही चार्जेस देने पड़ेंगे, आप अगर उसको नाइट में कंज्यूम करोगे तो भी आपको सेम चार्जेस देने पड़ेंगे। टाइम ऑफ यूज़ में क्या होता है कि इसमें जो टैरिफ है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जब हमारे पास में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो उस कंडीशन पे हमारे प्राइजेस कम हो जाएंगे, जो हमारे इसके यूनिट चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे, और ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंज्यूमर को रियल टाइम में, या तो उसके पास कोई एप्लीकेशन होगा या कुछ फ़ोन होगा या मैसेजिंग होगी, उसको रियल टाइम में ये मैसेजिंग उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो अपना कंज्यूम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने का जो पैटर्न है वो बढ़ा सकता है। वो अपनी वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकता है, रूम हीटर्स यूज़ कर सकता है, इट्स डिपेंड ऑन कुछ कुकिंग वगैरह का, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कर सकता है। अब हम बात करें सेम इंडस्ट्रियल पैटर्न में, सपोज़ कोई फर्नेस है, अब टाइम ऑफ यूज़ के बेनिफिट में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस मिलता है कि हमको जो इसके टैरिफ हैं वो डाउन हो रहे हैं, तो डाउन है फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स या 5 आवर्स, तो आप उस फर्नेस को यूज़ कर सकते हैं, आप बड़े बड़े पंप्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को प्लान कर सकते हैं सो दैट कि आपको टैरिफ भी कम पड़े और आपका काम भी हो जाए। सेकंड वन इज़ द डिमांड रिस्पांस एंड नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग और डिमांड रिस्पांस कुछ ऐसा है जैसा, नेट मीटरिंग तो है कि सपोज़ आपने सोलर प्लांट को अपने कहीं पर रूफटॉप एप्लीकेशन लगाया है, तो नेट मीटरिंग आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो भी आप ग्रिड में दे रहे हैं, और कितनी एनर्जी उससे विड्रॉ कर रहे हैं वो भी आप ग्रिड में दे रहे हैं, तो ये हो गया नेट मीटरिंग। देन पीक लोड मैनेजमेंट, पीक लोड मैनेजमेंट जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, सेम इन सेंस कि जो पीक लोड होगा उस कंडीशन पर उसको मैनेज कर सकते हैं कि एक जो लोड है वो पीक ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे, TOU के थ्रू, टाइम ऑफ यूज के थ्रू। देन हमारा इंक्रीज ग्रिड विजिबिलिटी। अब ग्रिड विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी कि हमने जगह जगह पे सेंसर्स माउंट कर दिए, सब स्टेशन पे सेंसर, उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां पे सेंसर, तो वहां से हमें फीडबैक कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलता रहेगा कि ग्रिड में उस ट्रांसफार्मर के क्या कंडीशन है। सेम पॉइंट कवर करेगा एसेट मैनेजमेंट, ग्रिड विजिबिलिटी के साथ साथ एसेट मैनेजमेंट भी वो करेगा, वो जो सेंसर है वो उसकी हेल्थ भी बताएगा। हाँ, उसके बाद में है रिडक्शन इन TND लॉसेस। TND लॉसेस में भी ये रिडक्शन करेगा, क्योंकि अगर सपोज जो भी ट्रांसमिशन का जो लॉस हो रहा है वो भी ये कम करेगा, किस बेसिस पे, जो हमारे एसेट की हेल्थ के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, स्मार्ट ग्रिड के कुछ पायलट प्रोजेक्ट रन किए थे गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट और कुछ इंस्टीट्यूशंस ने, जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं, उनके कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि
AVVNL अजमेर, आसाम, मैसूर, हिमाचल प्रदेश, पांडुचेरी, त्रिपुरा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मानेसर, आईआईटी कानपुर। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहां पर जो स्मार्ट ग्रिड के पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इनफैक्ट अगर देखें, अगर मैप में देखें तो ये टोटल जो ग्रीन स्टार आपको दिख रहा है थ्रू आउट द इंडिया, इन्होंने अलग अलग जगह पे स्मार्ट ग्रिड के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर लिए हैं आज की डेट में। ये जो डेटा है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 तक का है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी अंडर प्रोग्रेस हैं। अंडर प्रोग्रेस में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट राजस्थान में है एंड एक प्रोजेक्ट हमारा चंडीगढ़ में चल रहा है जो कि स्मार्ट ग्रिड के अभी कॉन्टिन्यूस है, ये चल रहे हैं प्रोजेक्ट। अब आपको मैं डेटा दिखाता हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर से लिया गया है। जो हमारा चंडीगढ़ वाला प्रोजेक्ट है इसमें टोटल जो अपडेट है वो देखेंगे 24,000 से ज़्यादा स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुके हैं। इसमें जो फंक्शनैलिटी यूज़ की गई है वो AMI, DTMU, स्काडा, और इसके जो कंज्यूमर हैं अराउंड 30,000 कंज्यूमर्स हैं इसमें। प्रोजेक्ट का स्टेटस ये है। देन JVVNL राजस्थान का जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट है। इसमें जो टिल डेट अगर हम देखें तो 1,35,620 मीटर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इसमें जो फंक्शनैलिटी यूज़ की गई है AMI, DTMU, स्काडा वगैरह, ये जितनी भी फंक्शनैलिटी की आप हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो सभी अभी हम आगे एक बार देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं फीचर्स एंड मॉड्यूल्स की। अब बात करते हैं फीचर्स एंड मॉड्यूल की। फीचर्स एंड मॉड्यूल की बात करें तो AVI, AMI, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटर, DG। अब AMI बेसिकली है क्या, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आजकल जितने भी मीटर हमारे घरों में इंस्टॉल्ड हैं अभी तक जो कि स्मार्ट ग्रिड नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इन लोकेशंस को हम छोड़ दें जो अभी हमने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की बात की, उसके अलावा इंडिया में कोई स्मार्ट ग्रिड के प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो जो नॉर्मल मीटर्स लगे हुए हैं उन मीटर्स की फंक्शनैलिटी क्या है? उन मीटर में हमें केवल एक सम मिलता है, डेटा मिलता है कि वन मंथ जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव चार्जेस आते हैं। हमें केवल एक रीडिंग मिलती है कि इस मंथ में इस डेट में ये रीडिंग थी, आफ्टर वन मंथ ये रीडिंग है, दोनों को सेपरेट किया एंड इतने यूनिट्स हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। बट AMI जो है, AMI हमें बहुत सारे रीडिंग्स या कह सकते हैं बहुत सारा डेटा देता है। ये टाइम बेसिस पे डेटा देता है, टाइम बेसिस पे, इट मींस कि संडे को कितना, ये हर इंस्टेंस का डेटा आपको कॉन्टिन्यूसली ये सेंड करता रहेगा मेन इसके डेटा कलेक्टर यूनिट्स को। वहाँ से हम ये पैरामीटर, ये एनालिटिक्स निकाल सकते हैं कि यूज़र का कंजम्पशन पैटर्न क्या है। वो संडे को ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है या फिर मंडे को करता है, वो डे टाइम में ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है या नाइट में करता है। तो ये जो पूरा पैटर्न है वो हम AMI के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ भी बहुत सारा डिटेल्स है कि उसका पीक लोड कितना जाता है, उस यूज़र का पीक लोड किस टाइम पर जाता है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि AMI में कवर होते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसको कि हम फिर कभी देखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखते हैं पीक लोड मैनेजमेंट, PLM। तो हम बात करेंगे पीक लोड मैनेजमेंट की। पीक लोड मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब आज की डेट में हम पीक लोड को कैसे मैनेज करते हैं, आज की विदाउट स्मार्ट ग्रिड पीक लोड को मैनेज करने के लिए जब भी हमारा लोड ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, तो उस कंडीशन पर जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ से लोड को कट ऑफ कर दिया जाता है, सो दैट कि जो जनरेशन हो रही है और जो डिमांड है दोनों को मैच कर पाएँ। जनरेशन और डिमांड, यानी कि जो सप्लाई है और जो डिमांड है, वो दोनों मैच हो जाए, ग्रिड सस्टेन करे। अब उस कंडीशन पर अगर हम स्मार्ट ग्रिड की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंज्यूमर तक मैसेज पहुंचा के या फिर डायरेक्टली हम पावर प्लांट तक मैसेज पहुंचा के कि भाई जनरेशन इंक्रीज करिए, पीक लोड को मैनेज किया जाता है। देयर आर टू थिंग्स, या तो आप जनरेशन को हाई कर दीजिए या कंजम्पशन को लो कर दीजिए, तो उस कंडीशन पर आपका ये पीक लोड को मैनेज करते हैं। उसके बाद में डिमांड रिस्पॉन्स, सेम थिंग, जैसा डिमांड आ रहा है उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम वहाँ तक मैसेजिंग करते हैं, या तो कंज्यूमर एंड पर कि लोड आप कम करिए, या फिर जनरेशन एंड पे कि पावर सप्लाई को, जनरेशन जो है पावर सप्लाई का, उसको आप इंक्रीज करिए, दोनों कंडीशन। आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम भी ऐसे ही होता है। आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि सपोज ग्रिड का कोई भी एक पार्ट हमारा फॉल्ट हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसमें हम पावर सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं,
उस कंडीशन पे क्या होता है, स्मार्ट ग्रिड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें वो फंक्शनैलिटी, वो चीज पिन पॉइंट हमको लोकेशन पता चल जाएगी कि किस सब स्टेशन पे, किस ट्रांसफार्मर में या फिर के पूरे ग्रिड के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज कि जो हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो फील्ड में जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं, जो सब स्टेशन है, वहाँ पे सेंसर्स के थ्रू हमें डेटा मिल जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा डिवाइस हेल्दी है, कौन सा डिवाइस हेल्दी नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैनेजमेंट, DTMU। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैनेजमेंट जो हमारे घरों के पास में जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं जिससे कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड उसको यूज किया जाता है घरों में, तो उनके मैनेजमेंट के लिए भी सेम प्रोसीजर है कि उसमें भी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा सेंसर्स की माउंटिंग होगी और वो सेंसर हमको डेटा देंगे मेन सब स्टेशन तक। देन फिर रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका इंटीग्रेशन एंड माइक्रोग्रिड। एक नया कॉन्सेप्ट चला है माइक्रोग्रिड का। माइक्रोग्रिड के कॉन्सेप्ट में क्या है कि छोटे छोटे एरिया अपने खुद के ग्रिड्स बनेंगे, वो सेल्फ सस्टेन करेंगे ग्रिड को। और वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो रूफ टॉप, इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, रूफ टॉप से जनरेशन होता है एंड जो सेम हाउस है या फिर कोई बिल्डिंग है वो पावर को भी कंज्यूम करता है, बट नाइट के फेज में पावर कंज्यूम करेगा और डे में वो खुद एक जनरेशन पॉइंट बन जाएगा। तो उस कंडीशन पे इस चीज़ को, रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करना और साथ साथ में एक माइक्रोग्रिड को बनाना, ये दोनों फंक्शनैलिटी स्मार्ट ग्रिड में इंक्लूड की गई है। देन नेक्स्ट है इसका सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम। जो इसका सब स्टेशन यानी कि SAS SAS सिस्टम, सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम जो यूज़ किया गया है वो ये है कि सब स्टेशन पे हम जो कमांड्स वगैरह हैं वो किसी दूसरे ऑटोमेशन, किसी दूसरे स्टेशन के थ्रू भी हम रिलीज कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सब स्टेशन को कंट्रोल करने के लिए रिमोट प्रोसीजर्स भी यूज किए जा सकते हैं, तो ये उसके सिस्टम हो गए। सिमिलरली होम ऑटोमेशन सोल्यूशन HAS, और जो होम ऑटोमेशन सोल्यूशन है इसमें भी हम रिमोटली चीज़ों को, अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्मार्ट ग्रिड की लिमिटेशंस क्या क्या है, लिमिटेशंस कह लीजिए या फिर कुछ माइनस पॉइंट्स कह लीजिए स्मार्ट ग्रिड को, या फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स जिनके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। तो इसका जो पहला प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, बिकॉज कि जो इस पूरे ग्रिड में जो कि लाखों किलोमीटर के लंबे वायर्स लगे हुए हैं, इन वायर्स के थ्रू हजारों के नंबर्स में डिवाइसेस लगे हुए, एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा एरिया है जिसको कि हमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर करना है, हमें हर पॉइंट पे, हर एंड पे हमें सेंसर्स माउंट करने हैं, तो उससे जो डेटा आएगा, तो ये इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सेकेंड थिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी स्टैंडर्ड। अब डेटा जनरेशन जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र है डेटा जनरेट कर रहा है, तो उसमें डेटा कॉन्टिन्यूस बेसिस पर हम ग्रिड को भेजेंगे, ग्रिड को नहीं भेजेंगे, हम एक उसके जो स्टेशन है, जो डेटा कलेक्टर यूनिट्स है, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे डेटा स्टोर होगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि डेटा प्राइवेसी जो है उसमें भी इश्यूज आएंगे, किस यूज़र के क्या क्या यूजर्स हैं और उनको कैसे किया जा रहा है, तो प्राइवेसी भी एक इशू है। एंड जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है वो ये है कि अब जो ट्रांसमिशन होगा डेटा का वो इतनी बड़ी फील्ड से एक सेंट्रल कंट्रोल रूम तक होगा। अब थ्रू आउट द ग्रिड जो कि हमारे पूरे इंडिया में फैली हुई है, थ्रू आउट द ग्रिड कहीं पर भी जो इसका साइबर अटैक को बहुत ही ज़्यादा वेरी सेंसिटिव एंड वल्नरेबल ये पॉइंट हो जाएगा इस ग्रिड पे अटैक करना और साइबर अटैक करना और साथ साथ इसको कोलैप्स करना। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे या फिर इसमें इंक्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा जो कि इसका एक मेजर कंसर्न है। अब हम बात करेंगे रेफरेंसेस के बारे में। देखिए NSGM की गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो कि स्मार्ट ग्रिड का काफ़ी इन्फॉर्मेशन, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन smartgrid.gov एक और वेबसाइट है जिसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडिया की खास तौर से आपको जो भी अपडेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो वेबसाइट्स है वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा एंड गूगल एज़ तो होप दैट कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।